भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी की सरकार है। चाहे वो नगर परिषद का काम हो, अदालत का काम हो, बिगड़ पैसे को काम नहीं होता था। बीजेपी के राज में बिगड़ खर्चा, बिगड़ पर्ची। जनता का मूड किस तरफ जाता है वो तो मतदान के वक्त पता पड़ेगा। विकास खूब हुए हैं जी, रोड बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई। ये डेजर्ट एरिया था, इसमें नहर का पानी आखिरी टेल तक पहुंच गया। लोगों में खुशी की लहर है। नारनौल विधानसभा से तीसरी बार ADO यानी कि ओम प्रकाश यादव जीतेंगे या राव नरेंद्र सिंह इस बार? पहले कांग्रेस के राज में अगर कोई भी काम कराना पड़ता है, पहले पैसे दो फिर काम कराओ। ठीक है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 का जो टेंडर है ना बीजेपी का, वो बढ़िया निकला। नारनौल विधानसभा में हम घूम रहे हैं सुबह से, मंडी के अंदर आए हैं, यहाँ पर व्यापारी वर्ग बैठा है। भाई साहब, 5 तारीख को मतदान है, क्या कहना चाहोगे? हम तो बीजेपी ने देवांगा भाई वोट। व्यापारी वर्ग से आते हैं? व्यापारी वर्ग से आते हैं। 10 साल कांग्रेस भी देख ली, 10 साल बीजेपी भी देख ली। कांग्रेस तो बिल्कुल भ्रष्ट है, उसको तो सिवाय उघाई से कोई मतलब नहीं है। वो एक ही बात है। नारनौल की अगर हम बात कर लें तो ओम प्रकाश यादव ADO साहब और राव नरेंद्र सिंह तरफ से तो जीत रहे हैं जी। हाँ, क्या काम करा लिया उन्होंने 10 साल में? काम तो वो क्या करवा रहा है, सरकार कर रही है बीजेपी। कुछ तो उन्होंने करवाया होगा। उसने कुछ नहीं करवाया। तो आप पार्टी के सिंबल पे डालोगे? हाँ, काम हमारे हो रहे है सारा, ये करवा रहे है नांगल चौधरी वाला डॉक्टर है वैसे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ सर। हाँ जी, मेरा नाम वासुदेव सिंगल है। नारनौल से बोल रहा हूँ, नई मंडी अनाज मंडी से। ऐसा साहब, कांग्रेस के टाइम में रिश्वत खोरी का बोलबाला था जो था, वो बीजेपी के राज्य में नहीं है। पहले कांग्रेस के राज्य में अगर कोई भी काम कराना पड़ता है, पहले पैसे दो फिर काम कराओ। चाहे वो नगर परिषद का काम हो या अदालत का काम हो, बिगड़ पैसे कोई काम नहीं होता था। और अगर किसी को नौकरी लगनी है तो नौकरी की बोली लगती थी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। जो जितने ज़्यादा पैसे दे रहे हो उतनी ज़्यादा बड़ी नौकरी मिल रही है। बीजेपी के राज में बिगड़ खर्चा, बिगड़ पर्ची, सबको नौकरी मिल रही है। जो बच्चा जिस लायक है उसको नौकरी उसको मिल रही है। और वर्गों की अगर बात करें, महिला पुरुष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो क्या कहें? शिक्षा क्षेत्र में हमारे एरिए में पहले से काफ़ी काम हुआ है। हमारे यहाँ पर जो है ट्रामा सेंटर भी आ गया है, उससे पहले राव नरेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री थे कांग्रेस टाइम में। जब वो ट्रामा सेंटर यहाँ मंजूर हुआ तो उन्होंने ट्रामा सेंटर नारनौल बनाकर और जगह बनवा दिया। यहाँ पर जो है अभय सिंह जी जब से आए हैं और ओम प्रकाश जी और ऊपर मोदी सरकार, उन्होंने तीनों के सहयोग से यहाँ पर ट्रामा सेंटर हुआ है। और यहाँ पर जो मेडिकल हब, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जो कोरिया आवास गाँव के अंदर खुल रहा है, इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़ गई। और आयुर्वेदिक कॉलेज है, 200 बेड का कॉलेज है, उसके अंदर बहुत बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और नितिन गडकरी जी ने जो सड़कों को जो जाल बिछाया है, आज रोहतक वाले, दिल्ली वाले नारनौल आते चकते नहीं। पहले अगर किसी रोहतक से कहते नारनौल जाना है तो वो कहते भैया वो तो जो है जंगल राज, वहाँ तो वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, 10-10 हाथ, 2-2 हाथ खड्डे हो रहे हैं, सुबह चलेंगे शाम तक पहुँचेंगे। अगर किसी टैक्सी वाले को हायर करते भी दादरी चलने हैं तो कहते जी भाई अगर रेवाड़ी होकर चल रहे तो हाँ भर सकता हूँ साहब, मैं तो होकर नहीं जाऊँगा मैं। और आज हर किसी गाड़ी वाले को बोल दो, वो कहते हैं चलो साहब पंजा दबाने जुड़ते दादरी पहुँचे, देर नहीं है। मतलब हाईवे की कनेक्टिविटी पूरी हो गई? पूरी तरह से। हमारे उधर से 6 नेशनल हाईवे निकल रहे हमारे यहाँ से, नारनौल से चारों तरफ से। लॉजिस्टिक अब बन रहा, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बढ़ने वाला है यहाँ पर, जिसका कार्य सुचारू रूप से चालू है। तो नारनौल की अगर विशेष तौर पे हम बात कर लें तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, एक तो ओम प्रकाश यादव ADO और राव नरेंद्र सिंह। तो ADO साहब को कितने नंबर दोगे, नरेंद्र सिंह को कितने नंबर दोगे? जहाँ तक ओम प्रकाश ADO की बात है, इनके काल में कभी भ्रष्टाचार नहीं फैला है। अगर कोई बच्चा भी इनके पास जाकर खड़ा हो गया, पकड़ के ऐसी बाजू कर देना प्रधान जी मेरी बात सुनो, तो ADO साहब ने हमेशा उनकी बात सुनी है। किसी काम के लिए अगर उनको कहा है तो तुरंत उन्होंने ऑफिसर को फ़ोन किया है,
वो अलग बात है कि उस अफसर के लेवल का वो काम था या नहीं था। और नरेंद्र सिंह के पास अगर कोई जाता था तो अगला आँख मीच के बात करता तो बोलते नहीं था, और उसके दलाल बैठे रहते थे बाहर, भाई क्या काम है, कैसे क्या क्या है, इतने रुपये लेंगे कि लाओ हम करा देते हैं। आप क्या कहोगे भैया? यही कह दिया, एक ही बात है इसको आपके भी मन में होगा। बीजेपी को देंगे जी वोट, कांग्रेस को तो मतलब ही नहीं है वोट देने का, अपना तो मकसद ही सिर्फ बीजेपी है। जो हमारा काम बीजेपी कर सकते, कांग्रेस क्या किया है नारनौल में आज तक? नरेंद्र पहले था, क्या करके गया है यहाँ? अब नरेंद्र है खड़ा तो वहाँ अटल्ली में जाके, वहाँ तो ध्यान नहीं मिली, फिर नारनौल भाई आया, क्या मतलब हुआ उस चीज़ का? पहला चॉइस नारनौल नहीं था? नहीं था पहला चॉइस, पहला अटल्ली था। दो बार यहाँ हार चुका, फिर अटल्ली भाग गया, वन नंबर नहीं पड़ा, फिर नारनौल आ गया। लड़की आ गई जब ये नारनौल आ गया तीसरी बार, फिर से तीसरी बार तो फैल है कहानी, तीसरे नंबर पे आएगा। हाँ, पहले नंबर पर किसको ला रहे हो? पहले नंबर पे ओम प्रकाश एडियो, दूसरे नंबर पे आएगी झाड़ू, और तीसरे नंबर पे आएगा नरेंद्र। तीन उम्मीदवार में से पहला नंबर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, उन्होंने पहला नंबर ओम प्रकाश यादव एडियो को दिया है, दूसरा नंबर झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी मटरू को दिया है, तीसरे नंबर पे राव नरेंद्र सिंह को दिया है। कहने की बात यह है कि अगर रुझानों की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं एक हाथ ऊपर बीजेपी ज़रूर चल रही है, लेकिन टक्कर कांटे की पूरे हरियाणा की बात करें तो दिख रही है। नारनौल की विशेष तौर पर बात करें तो एक हाथ ऊपर ओम प्रकाश यादव एडियो दिखाई दे रहे हैं।